नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। राजस्थान में बुधवार को कोरोना पॉजिटिव के 13 नए केस सामने आए। ये सभी जयपुर परकोटी के रामगंज इलाके के रहने वाले हैं, जो ओमान से आए संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए थे। इससे पहले मंगलवार को कोरोना वायरस के 14 पॉजिटिव केस मिले थे। इनमें दुबई से झुंझुनू लौटे 44 साल के व्यक्ति, पंजाब से अजमेर लौटे युवक की 17 साल की बहन, डूंगरपुर में पहले पॉजिटिव मिल चुके युवक के 65 साल के पिता और जयपुर में 60 साल के पुरुष शामिल थे। अब इन सभी की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। वहीं ईरान से लाए गए 10 लोगों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इसके बाद कुल आंकड़ा 106 तक पहुँच गया है। राजस्थान में कुल 33 जिले हैं। इनमें से अब तक 11 जिलों में कोरोना के केस मिल चुके हैं। सबसे ज्यादा केस जयपुर में मिले हैं। यहाँ अब तक 34 पॉजिटिव मिल चुके हैं। इसके अलावा भीलवाड़ा में 26, झुंझुनू में 8, जोधपुर में 24, इसमें 17 ईरान से आए, प्रतापगढ़ 2, डूंगरपुर 3, अजमेर 5, अलवर, पाली, सीकर और चूरू में 1-1 संक्रमित मिला। राजस्थान में अब तक 2 कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। पहले मौत 73 वर्षीय बुजुर्ग की हुई, उसे कई अन्य गंभीर बीमारियां भी थी। बुजुर्ग डायलिसिस पर था, बीपी, किडनी और सांस लेने में काफी परेशानी थी। हालांकि चिकित्सक किडनी खराब होना मौत का कारण बता रहे हैं। दूसरी मौत एक 60 साल की व्यक्ति की हुई। दोनों के परिवार के दो दो लोगों में भी कोरोना वायरस पॉजिटिव मिला है। संक्रमित दो लोगों की मौत ने पूरे राजस्थान की चिंताएं बढ़ा दी हैं। WHO के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कम्युनिटी संक्रमण का यह खतरा पूरे राजस्थान के लिए बड़ी और घातक चुनौती है। दूसरी ओर झुंझुनू और जयपुर के रामगंज में भी यही हालात खड़े हो गए हैं। यहाँ भी एक व्यक्ति ने अपने 22 परिजनों समेत 200 से ज्यादा लोगों को संकट में डाल दिया है। राजस्थान में अब 55 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। भीलवाड़ा ने कोरोना से जुड़ी उस मिथ को तोड़ दिया कि हमारे देश में अधिकतर संक्रमण विदेशियों के कारण हुए। यहाँ तो एक डॉक्टर के घर पर विदेश से आए कुछ मेहमानों के कारण पहले वह खुद संक्रमित हुआ। एकीकृत राजस्थान के निर्माण के बाद इस बार पहला मौका होगा जब राजस्थान दिवस पर एक भी कार्यक्रम नहीं होगा। कोरोना महामारी के कारण इस बार राजस्थान दिवस के कार्यक्रम नहीं होंगे। 30 मार्च 1949 को 22 रियासतों के विलय के बाद राजस्थान का निर्माण हुआ था। उसने एक एक कर पूरे शहर को चपेट में दे दिया। जयपुर सहित देश भर में सभी हवाई सेवाएं 14 अप्रैल तक बंद कर दी गई। अब जयपुर से संचालित होने वाली सभी 57 फ्लाइट्स रद्द रहेंगी। अन्य शहरों से वाया जयपुर वाली 25 फ्लाइट्स भी नहीं आएंगी। अब एयरपोर्ट से इंडिगो की जयपुर दिल्ली फ्लाइट, दिल्ली जयपुर फ्लाइट, कोलकाता जयपुर फ्लाइट, स्पाइसजेट की जयपुर देहरादून फ्लाइट, हैदराबाद जयपुर फ्लाइट, मुंबई जयपुर फ्लाइट, जयपुर उदयपुर फ्लाइट, अहमदाबाद जयपुर फ्लाइट, गो एयर की मुंबई जयपुर फ्लाइट, अहमदाबाद जयपुर फ्लाइट, बेंगलुरु जयपुर बेंगलुरु फ्लाइट, हैदराबाद जयपुर फ्लाइट सहित अन्य फ्लाइट रद्द रहेंगी। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।